भाजपा विधायक टिकट की दावेदारी की ठोकी ताल। सरपंच पति अर्जुन सिंह ने विधानसभा टिकट मांगा। धार जिले की कुछी विधानसभा से भाजपा टिकट प्राप्ति हेतु मोगरा की सरपंच पति अर्जुन सिंह रावत ने आवली के प्रसिद्ध अंधारिया दुंधुरिया बाबा के मंदिर जाकर मन्नत मांगी। मोगरा से 3 किलोमीटर रैली के रूप में पैदल सैकड़ों ग्रामीण व परिजनों के साथ नाचते कूदते अर्जुन सिंह आवली मंदिर पहुंचे तथा भाजपा की ओर से विधानसभा टिकट प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना प्रार्थना की। अर्जुन सिंह स्वयं जहां 30 वर्षों से भाजपा के लिए समर्पित होकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं उनके पिता मुकाम सिंह भाजपा के चर्चित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। मोगरा सरपंच गौराबाई के पति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि वह कुछ ही विधानसभा से भाजपा का टिकट प्रदान करे ताकि वह कांग्रेस की परंपरागत सीट को भाजपा की झोली में डाल सके। अर्जुन सिंह रावत ने टिकट न मिलने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ने के साफ स्पष्ट संकेत देकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वंदे भारत से सिराजुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। मैं मोगरा से आवली अंधेरे बाबा पे निकल रहा हूँ रैली। मैं बीजेपी की टिकट मांग के दौरान सख्त, ये इतने पुराने कार्यकर्ता 60 साल से पापा रह चुके हैं, इसके मकसद में रख रहा हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता टिकट अभी चुनाव लड़ना है, मेरे को तय है, लड़ने की तैयारी है, मेरे को लड़ना नहीं लड़ना चुनाव किसी भी स्थिति से बीजेपी से टिकट नहीं मिल रही। जब भी मैं निर्दलीय लड़ूंगा, पहले बीजेपी से मांग रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है मेरा कि टिकट दे, नहीं दे तो निर्दलीय लड़ूंगा। कितने सालों से बीजेपी में? बीजेपी से पापा मेरे हो गए हैं 60 साल से ऊपर, और करीबन मैं हो गया 30 साल से मैं कार्यकर्ता हूँ। और बीजेपी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या करेंगे आगे? मैं आगे फिर बाद में निर्दलीय लड़ूंगा। कितने कार्यकर्ता आपके साथ कुक्सी विधानसभा से? मेरे कार्यकर्ता है 37 पंचायत में,